बोलने से क्या हो गया, घर मिलेगा थोड़ी, वो तो अपना दोगलपन ही दिखा दिया। 2022 में देंगे, 24 में देंगे। होनी गांव में इस वक्त 1000 घर तोड़ दिए हैं और लाखों आदमी घरों से बेघर हो गए। अब बस स्टॉप में जाओगे, राशन फ्री दे रहे हैं। कमीने घर तोड़ रहे हैं, राशन फ्री, उनके घर में जाके खाएंगे। अरे धोखे में रखे तोड़ दिया। सुबह से तक तो बोले थे कि इधर का नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। हम लोग शांति से बैठे हुए थे, एकदम से अचानक ही हमला बोल दिया उन लोगों ने। ये लोग ये कहते हैं क्या, सुन नहीं, हम 2022 तक गरीबी हटा देंगे, लेकिन वो नहीं कह रहे, वो कह रहे गरीब को मिटा देंगे 2022 तक। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी भटक रही है, देखो सब बेटियां ही हैं। कहाँ लेके जाएंगे अपनी बेटी को? मैंने कई बार पूछा, सर तोड़फोड़ होगी तब बताओ, हम अपनी सामान निकाल लेते हैं। साहब कहे कि नहीं, तोड़फोड़ नहीं होगी, हमारी रैली निकलेगी, इस वजह से हमारी ड्यूटी लगाई हुई है यहाँ पे। हम कट्टर मोदी जी के समर्थन थे, मगर हमारे घर ही तोड़ दिया मोदी जी, आप कहाँ कौन सी समर्थन कर सकते पहले आप? हाँ, मेरे द्वार पे आ गया ना तो जूते में माला पहना के भेजूंगी। इसके पास दिमाग ही नहीं है यार, इसे नाम रखा गया बीजेपी, बर्तन झाड़ू पोछा करने वाला नेता है, इसके पास में दिमाग ही नहीं है थोड़ा सा जनता। एक बार फिर हम खोरी गांव पहुंच गए हैं और आज खोरी गांव में फिर से बुलडोजर चला है और देखिए 1000 घरों को तकरीबन 1 घंटे में तहस नहस कर दिया। देखिए पूरा नजारा देखिए, तबाही का मंजर, सिर्फ ईंटों का ढेर नजर आ रहा है। लोग बहुत मायूस हैं, लोगों का कहना है कि हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही क्योंकि जो मीडिया है देश का वो नहीं आ रहा। लोगों से बात कर लेते हैं। आपका 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 ये मकान था? मेरा वाला मकान है। आपका मकान तोड़ दिया गया जी। तकरीबन कितने बजे हुआ ये सब? 11 बजे से नंबर लगा दिया था, 11 से 1 बजे तक का मैं सारा तोड़ दिया था। उतने बीच में 11 से 1 बजे तक सारा तोड़ दिया, मतलब 1 से 2 घंटे में सब? अरे धोखे में रखे तोड़ दिया। सुबह से तक तो बोले थे कि इधर का नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। हम लोग शांति से बैठे हुए थे, एकदम से अचानक ही हमला बोल दिया उन लोगों ने, अचानक ही कर दिया। सुबह तक तो कह रहे कि अभी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अभी जो भी होगा उधर की तरफ होगा। यहाँ तो अचानक से आके तोड़ दिया था। सामान वामान निकालने का मौका दिया आप लोगों ने? मौका सामान तो खैर हम लोग को थोड़ा बहुत पहले निकाला था, सामान भी था हमारा थोड़ा बहुत इसमें भी। हाँ, ये तो 1 महीने से चल रहा था। कितने का नुकसान हुआ होगा तकरीबन आपका? अब मकान चला गया, सोचो कितने का नुकसान, जो भी गया, मकान टूट गया, हमें तो कोई दे तो नहीं देगा ना। सरकार से क्या बोले हम, सरकार के? हाँ, जो देखो ना, झुग्गी तो उन्होंने पूरा, झुग्गी तो चलो छोड़ो, उन्होंने तो हमारा मकान तोड़ दिया। अब देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे अब देखो ऐसे घूम रहे, देखो कहाँ लेकर जाएंगे हमारे बच्चों को। मतलब पुलिस वालों ने आपको धोखे में रख के मकान तोड़ दिया? बोले थे आज नहीं टूटेगा, आज नहीं टूटेगा, टूट करते या क्या? कैसे, बोले अब कैसे गुजारा करेंगे आप, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ किस्मत, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करें, किस्मत जहाँ ले जाएगी वहीं जाएंगे। आपका आपका भी मकान था यही? मेरा मकान आगे है। आज कितने बजे ये सब कार्रवाई हुई, कितने बजे पुलिस वाले? कार्रवाई तो जाकर के हमको लगता है कि 11:30 बजे से चालू किया है, 1 बजे तक तोड़ा है, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में इतना मकान टूटा है। अगर बारिश नहीं पड़ता ना तो कितनी मकान टूटता कहना मुश्किल है। कितने मकान तोड़ दिए 1.5 घंटे में? मैंने हमको लगता है कि हजारों से ऊपर टूटा है, हजार मकान तोड़ दिए। हाँ, तो मुआवजा की मांग करते हैं? मैंने कोई मुआवजा की आज तक कोई बातें नहीं हुई है। आप लोग लो की क्या मांग है, मुआवजा चाहिए आप लोग? हमको चाहिए कि हमको मकान का बदला मकान चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। अभी तक कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा सरकार की, आपका मकान टूटा तो मैं मकान दूंगा, यहाँ पर कोई बोल ही नहीं रहा है। और यहाँ पर ये क्या, जो कि हम लोग जो बना रखे हैं उसको तोड़ करके तहस नहस कर रहे हैं, हम कैसे मानेंगे क्या मेरे हित में है? बीजेपी सरकार तो हम सोचते हैं मेरे लिए नास्तिक है, और नाश होगी इनकी, इनकी नाश होना है, ये पक्का देख लिया, ये देख रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं क्या, सुन नहीं, हम 2022 तक गरीबी हटा देंगे, लेकिन वो नहीं कह रहे, वो कह रहे गरीब को मिटा देंगे 2022 तक। लेकिन मोदी जी तो कहते थे मैं गरीबों का बेटा हूँ। वो ने बेटा उठा कुछ नहीं है, उनको माँ गंगा और गोदावरी बुला रहे हैं बनारस में, इतना दिन कोई नहीं बुला रहे थे, सब पब्लिक के ऊपर वो हम लोग के दुश्मन है, वो हम कैसे मानेंगे कि बीजेपी अच्छे है? हम लोग के लिए तो कांग्रेस ही सही थे, जो भी थे जहाँ जुगे थे वहीं बसे हुए थे, घर तो और तो नहीं रहे थे। सरकार फ्लॉप हो गई पूरी, वही पूरी फ्लॉप हो गई, और फ्लॉप होना है इनकी, इनकी नाश जाएगी, ये सोच लीजिए, गरीबों की आंसू उनको लग के ही रहेंगे। अरे गरीब शुरू से ही मर रहा है, जब गरीबों ने अब एक बार अगर पैसा होता हम लोगों के पास तो हम कहीं अच्छी जगह नहीं ले लेते, फ्लैट नहीं खरीद लेते, कहीं हम अपना 50 गज लेते या 25 गज लेते तो हम अपना पैसा रजिस्टरी करवा के लेते। अब हम लोग यहाँ क्या मालूम था ये कैसी जमीन है क्या, नहीं हमने किसी को नहीं दिए, नहीं हमने अधिकारी को नहीं दिए, अधिकारी को हमने किसी को नहीं दिए, केवल हमसे वो ठगते रहे यहाँ के दलाल, डीलर हाँ दलाल, दलाल ने लिया है, दलाल ने लिया है, मकान बनाया तो 15-15-20-20 हजार रुपया लिया है।
हाँ दलाल अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जगह खरीदे हैं कोई कब्जा? हम लोग यहाँ पे माने के चलो अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। जब गरीब मरता है ना तो सब भाग जाते हैं। जब गरीब पे पैसा होता है तो खींचने के लिए खाना बनाएंगे पैसा दो। अगर यहाँ एक ईंट लगती है ना तो वो तुरंत आ जाते थे। हाँ भाई पैसे दो, ईंट लग रही है पैसे दो। सरकार भी सब खाते है, सब खाते, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जो भी आता है वो खाता ही है। आपका भी मकान था? हमारा तो मकान है मैम, एक्चुअली हमारा रीज़न ये है जब ये कॉलोनी बस रही थी, ये 3 साल से कॉलोनी तो बसी नहीं है, 30 ईयर से प्रोसेस चलता रहा है बसी रही है। यहाँ पे डीलर माफिया पुलिस वाले नगर निगम सबों ने पैसा खाया है, सबने पैसा खाया है। पुलिस वाला संदीप पुलिस वाला वह के एक एक घर से 10,000 रुपये लेके जाता था, ठीक है, एक एक घर से 10,000। संदीप पुलिस वाला ये पैसे लेके जाता था तो ये अकेला तो खाता नहीं होगा 10,000 रुपये हर घर से, सबने मिलके खाया है। और यहाँ पे नगर निगम वाला अलग लेता था, डीलर अलग लेते थे, मतलब यहाँ पे एक नितोड़ है, गरीबों को लूटा जा रहा है। अब इन्होंने कहा है कि पुनर्वास करेंगे, अब पुनर्वास क्या घर तोड़ के करेंगे पुनर्वास? अगर आप कहीं पे रेंट लेने जाओगे पहले रूम तो देख के आओगे तभी तो सामान शिफ्ट करोगे, यहाँ तो पता नहीं पुनर्वास कब होगा। और जबकि यहाँ पे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, और क्या हरियाणा सरकार के यहाँ पे लाइट आ रखी है, गवर्नमेंट स्कूल है, गौशाला है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल है 5वीं क्लास तक, अम्बेडकर पार्क है यहाँ पे, गौशाला है यहाँ पे सरकारी, तो कहाँ जाएंगे? इतनी पब्लिक बसी है यहाँ, 1 लाख की आबादी है यहाँ पे कम से कम आपके अंदाजे से, और यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 4 लाख से कभी ने किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, द फैमिली हैज़ इन्वेस्टेड ईयर्स अर्निंग फॉर दिस हाउस टू क्लियर एट ऑल, तो हम कैसे खाली कर दें? एक्चुअली हमें क्या, अगर हमारा घर तोड़ दिया तो हमें अपना हक चाहिए, वी वॉन्ट्स आवर राइट्स एंड वी विल गो, हमें अपना हक चाहिए तभी हम जाएंगे, ये तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? क्योंकि द फैमिली हैज़ इन्वेस्टेड, मतलब सालों की कमाई यहाँ पे लगी है फैमिलियों की, तो कैसे खाली कर दे? सालों की कमाई और एक ही घंटे में सब उजड़ में सब तबाह दिया। बोलने से क्या हो गया, घर मिलेगा थोड़ी, वो तो अपना दोगलपनी दिखा दिया, 2022 में देंगे, 24 में देंगे। सरकार तो आप लोगों से यही वादे करती थी, यही वादा करती थी, राशन फ्री, बस स्टॉप में जाओगे राशन फ्री दे रहे हैं, कमीने घर तोड़ रहे राशन फ्री, उनके घर में जाके खाएंगे, चूल्हे चकड़ उसके घर में रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी भटक रही है, देखो सब बेटियां ही हैं, बेटी देखो रोड पे भटक रही है आज, कहां लेके जाएंगे अपनी बेटी को? कहां ले जाएंगे छोटी सी हमारी बेटी, बताओ क्या करेंगे इनका, उनके है ही नहीं बच्चे तो उन्हें क्या दर्द होगा? ऐसे क्या दर्द होगा, बाल बच्चा खुद ही ठिकाना नहीं है, उसको क्या पता है समाज बच्चे क्या होते हैं, बीवी क्या होते हैं, घर क्या होता है, उसको तो हवेली मिल गई है, बैठा है दिल्ली में, उसको क्या पता है? अब हम बारिश में गीले थे, हमारा बारिश गीले हुए, कपड़े गीले हुए, खाने वाने का कैसे करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, सुबह से भी भूखे प्यासे बैठे हैं, सुबह से कुछ नहीं, ना खाया है ना कुछ पिया है, सुबह से आके बैठे हुए, क्या करेंगे, ना बनाने का मौका दिया, कुछ नहीं, बच्चे भी बैठ के, हाँ एक बात बताऊँ, कहाँ बनाएंगे ऐसे में बच्चों के लिए, बच्चे भी हमारे ऐसे बैठे हुए, लाइट पानी नहीं है, यहाँ कम से 1 महीना हो गया लाइट काट रखी है, पानी नहीं आने दे रहे, पीने तक के लिए पानी जैसे तैसे ढो ढो के लाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी बच्चों को पिलाते हैं, पता कैसे करेंगे गुजारा? टैंकर आता था पानी का, वो 1 महीने से बंद कर दिया, लाइट थी वो 1 महीने से पहले कटवा रखी है, गर्मी में हम लोगों ने कैसे रहा, फिर भी हमने रहा, पानी कहाँ से लाया, खरीद के पिया, गर्मी में रहा, आज तो चुपचाप आया, तो सच्चे में बिल्कुल पार कर दिया, अपने प्रशासन का इतना 56 भोग खिलाया यहीं बैठा के हमारे घर से, पानी हमारे घर से मांग मांग पिए कमीने, बेड पे बैठे, कुर्सियाँ पता नहीं कुर्सी कहाँ ले गए, तोड़ ताड़ दिए, हमारे ही घर बैठे चुपचाप, कैसे तोड़ दिए, चुपचाप बैठे रहे, बात कर दे नहीं बताया भी नहीं, चुपचाप 4 बुलडोजर आया, हम लोग बताओ उधर आवाजें आ रहा, हमने कई बार पूछा कि सर इतने फोर्स किस लिए आ रहे हो, क्या तोड़ फोड़ होगी आज तो बता दो, हम सामान निकाल लेते हैं, उन्होंने बोले कि नहीं नहीं तोड़ फोड़ नहीं होगी, रैली निकलेगी, इस वजह से हमने यहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है हम लोगों की, हाँ जी से 2 बजे तक हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। मैंने कई बार पूछा सर तोड़ फोड़ होगी तब बताओ, हम अपनी सामान निकाल लेते हैं, साहब कहे कि नहीं तोड़ फोड़ नहीं होगी, हमारी रैली निकलेगी, इस वजह से हमारी ड्यूटी लगाई हुई है यहाँ पे, 2 बजे तक हम लोग चले जाएंगे। कितने मकान तोड़े आज ही, आज में देख ही रहे हो आप कितने हजारों, कितने अंदाजन कम से कम 900 हजार ईंट तो होंगे, मकान 1,000 मकान, हाँ जी 1,000 मकान बेघर हो गए एक ही 2 घंटे में, हो गए, और क्या नीचे भी काफी पूरे खाली कर दिए, इधर पूरे यहाँ तक सारे खाली कर दिए, बताया भी नहीं आप लोगों, कुछ भी नहीं पूछने पे भी नहीं, जो भी आया हम लोगों को वैसे ही मतलब इसी में गुमराह में ही रखा गया हम लोगों को, ताकि ये लोग कुछ
रोक ठोक कुछ ऐसे आगे भीड़ इकट्ठा न करे। धोखा तो शुरू से ही कर रहे हैं हमारे साथ। आप लोगों के सामने, आप लोगों के ही घर तोड़ दिए पुलिस वालों ने। हमारे सामने ही तोड़ दिए, बिल्कुल सामने ही तोड़े हैं। पीछे थोड़ा ना तोड़े आएंगे, पीछे नहीं तोड़े हैं, सामने ही तोड़े आएंगे। जब रूप शांति रूप से आदमी घर में है, अब उसे अभी तुम बुलाए रही हो तो वो तो निकल के आएगा ही आएगा। निकल के आएगा तो बुलडोजर चला दिया। अच्छा, तो ऐसे वहाँ से लेके और कहने एकदम से तोड़ फोड़ कर दी। बताया नहीं मतलब आप लोगों को पहले की सामान वाले से नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया था। ऐसे बताया था कि 6 हफ्ता में ये कॉलोनी टूट नहीं है, ये है वो है। अच्छा। तो जो छोटे छोटे बच्चे हमारे आएंगे नाती पोते, इन्हें लेके हम कहाँ जाएं? जब आपने रुकने के लिए बोला, कुछ बोले वो? नहीं, नहीं रुक सकता है। अपने अपने जिनके अब नहीं रुकेगा। क्या बोले? कह रहे अपना अपना ठिकाना ढूंढो। घंटे में कैसे ठिकाना? कह रहे जहाँ से आए वहीं चले जाओ, बिहार के होगा बिहार जाओ, बंगाल के होगा बिहार जाओ, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। एक गाड़ी की सुविधा और दे दे रहे, किराया नहीं लगेगा। कह रहे जिसको सामान ले जाना है हम गाड़ी कर देंगे, फिर हम एहसान कह रहे पुलिस वाले ऐसे कह रहे। हाँ, कह रहे हैं जिसको अपना सामान ले जाना है हम किराए से गाड़ी करवा देंगे, तुम्हें जहाँ ले जाना। और अभी कुछ दिन पहले आए थे हमारे पास, कह रहे कि अगर किसी को किराए पे कमरा चाहिए हम दिलवा देंगे सस्ते में। हम एहसान करने आए थे, सस्ते में कमरा दिलाएंगे हम अपना। हाँ, हमें मकान छीन रहे हो, हमें किराए पे कमरा दिलाएंगे सस्ते में। यूँ कह रहे हैं कि अब कहाँ दिलाएंगे कोई पता नहीं है। मोदी जी टीवी पे कहते हैं कि 2022 तक घर दे देंगे, मगर हकीकत जमीनी स्तर पे कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी है वहाँ जुमलेबाजी सरकारी करे मोदी जी। हम कट्टर मोदी जी के समर्थन थे, मगर हमारे घर ही तोड़ दिया मोदी जी, तो आप कहाँ कौन सी समर्थन समर्थक थे पहले आप? हाँ, अब सबको बेघर कर रहे तो काम कौन सा, जब जिएंगे नहीं तो उसको वोट कहाँ से देंगे हम? क्या करेंगे उसके पीछे? अब क्या वोट देंगे मोदी जी को? अब वोट कौन देंगे? वोट कौन देंगे उसको? अब तो जाएगा वो, अब कोई नहीं आ सकता। मोदी जी कभी आ नहीं सकता, वो चले गए, खत्म। कोई दर्द नहीं है किसी मोदी को, वोट देंगी आप? हम तो उसको जूता का माला पहना के भेजूंगी। मेरे द्वार पे आ गया तो, मेरे द्वार पे आ गया ना तो जूते का माला पहना के भेजूंगी। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। बीजेपी का जो भी नेता आएंगे उसके जूते का माला पहनाया जाएगा। और बीजेपी के जितने भी नेता है सब निकम्मा है। बीजेपी नाम जो रखा गया है ना, आपको पता है? बीजेपी जो नाम रखा गया है आपको मालूम है? ये बर्तन झाड़ू पोछा करने वाला नेता है वो। हाँ, बी से बीजेपी, बर्तन जैसे झाड़ू बी से पोछा। ये बर्तन झाड़ू पोछा वाला नेता के पास में कितना दिमाग होगा? बीजेपी नाम इसे रखा गया है, बर्तन झाड़ू पोछा करने वाला नेता इसके पास में, जो गरीबों के साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया है। आज गरीब आत्महत्या करने के लिए तैयार है। रोटी नहीं है, मकान नहीं है, न कपड़ा है। बोलिए, बर्तन झाड़ू पोछा करने वाला नेता के पास कितना दिमाग रहेगा? यहाँ से और क्या, हमारे से भी चंदा। हाँ, राम मंदिर के नाम से फोटो लगा करके फोटो। हाँ, इसके पास दिमाग ही नहीं है यार। इसे नाम रखा गया बीजेपी, बर्तन झाड़ू पोछा करने वाला नेता है इसके पास में, दिमाग ही नहीं है थोड़ा सा। जनता के बीच में कोई सोचता भी नहीं है। इसे नाम रखा गया बीजेपी, बर्तन झाड़ू पोछा। ठीक है, जनता में कहीं ना कहीं बहुत सारा गुस्सा है। मोदी जी कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर ही मोदी जी ने नहीं छोड़े, तो आप कहाँ मोदी जी बसेंगे? ये बहुत एक बड़ा सवाल है। सरकार क्या कर रही है इतने साल से कि इनको इतने साल से बसे हुए घर नहीं दिखे, और आज एक ही घंटे में इन्हीं के घरों के सामने इनके घर तहस नहस कर दिए। कुछ नहीं बचा, सिर्फ ईंटों का भंडार है। मैं भी अभी ईंटों के भंडार पर ही खड़ी हूँ। जमीन भी नहीं है, ईट ही ईट लगातार है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमें गुमराह किया, हम लोगों को बेवकूफ बनाया, हमारे साथ धोखा किया। हम लोगों को कहा था कि घर नहीं टूटेंगे, लेकिन अचानक से घर टूट दिए। खोरी गांव में इस वक्त 1000 घर तोड़ दिए हैं और लाखों आदमी घरों से बेघर हो गए। अपने सामने अपने घर टूटे हुए कैसा लगता है, ये सरकार को पता होना चाहिए। कैमरामैन ताबिश के साथ बुलबुल।